सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोनों फोटो ओपन करके कि किस इमेज से मैंने कौन सा इमेज यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आप लोग को सिखाता हूँ किस तरीके से इसको आप बिल्कुल एक अच्छे इफेक्ट्स में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फोटोशॉप अपना ओपन करना है, एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग को जो भी इमेज यहाँ पे है उसको आपको ले लेना है, और यहाँ से आपको जो भी वाइल और पसीना होते हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैंने जूम करके आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। बिल्कुल आप लोग सबसे पहले तो यहाँ से कलर पे जाएंगे, कलर पे वहाँ पे पूरे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा जगह जरूर मिलेगा जहाँ पे कलर जो है अच्छा मिलेगा, तो उस कलर को पिकर टूल से ले लेना है। अब कलर ले लेने के बाद आपको यहाँ से जाना है ब्रश टूल पे। ब्रश टूल पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ब्रश का साइज अबाउट 45 to 50 रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो मैंने 46 यहाँ पे रखा है, आपको उसी के बीच में रखना है। एंड ओपेसिटी यहाँ पे 25 के अप्रोक्स में रखना है, एंड फ्लो आपको 100% यहाँ पे रखना है गाइस, बस इतना ही काम करना है। अब आपको जा करके पूरे फेस के ऊपर में बस आपको क्लिक करते जाना है, जहाँ जहाँ भी आपको पसीना दिखाई दे रहा है, दाग धब्बा दिखाई दे रहा है, बस वहाँ वहाँ क्लिक करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं देखिए क्लिक करते जा रहा हूँ, आपको इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी चलिए मैं और जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, और मैं एक चीज़ आप लोग को और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लैक डॉट था उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। जितना ज़्यादा आप किसी भी इमेज को जूम करके काम करिएगा उतना ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा फाइनली। ओके, तो यहाँ पे चलिए मैं ये सबको भी क्लियर करता हूँ, एंड और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी कुछ करना हो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप इस इफेक्ट्स के थ्रू लगा सकते हैं, और किसी भी इमेज का वायल वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ये जो नोज वगैरह पे है, एंड यहाँ पे अभी भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उसको मैं कर लूँगा ठीक यहाँ से, एंड यहाँ पे मैंने सारे चीज़ लगभग कर लिया है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो एक आप लोग ने देखा कि ब्रश टूल के हेल्प से आप लोग बिल्कुल वायल एंड जो भी है इसको आप इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसको आप जहाँ पे भी जिस भी फॉर्मेट में करना है सेव कर लीजिए। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे।